What's up guys, welcome back to another reaction video. सम्राट की पार्ट साला चैनल से आप लोग के लिए क्या है फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस पार्ट 7। और ये भी है कि अलग ही जोन है भैया, अलग ही मस्ती होती है न्यूज़पेपर में। जो कलाकार वाली हेडलाइन मिलती है ना, और भाई जिस तरीके से पढ़ता है वो अलग ही मजा आता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो करते फटाफट से लाइक और बताना कि कौन सी तगड़ी लगी आपको हेडलाइन। प्लस दो वीडियो और आई है सम्राट भाई की, तो आप सजेस्ट करोगे तो उन पर भी हम रिएक्ट करेंगे। बाकी लेट्स एंजॉय द वीडियो, रेडी 1 2 3। तो क्या हाल है, फनी न्यूज़पेपर के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। हिंदी के लिए 2 दबाएं। अबे गलत स्क्रिप्ट कौन रख गया बे? अरे ये मारो इसको। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि साला एक गंगाराम का लौंडा मिला के नहीं मिला ना, मुझे जानना है भाई साहब। मैं इस भाई को कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। देखो यार, पैसे की टेंशन नहीं है, 4000 ये भाई दे रहा, 1000 मैं अपनी तरफ से दूंगा, और बाकी का कम पड़े तो अपन लोग चंदा कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन साला गंगाराम के लौंडे की ढूंढ के ना बहुत दुख दे रहा है यार वो इस भाई को। अब जिन लोगों को नहीं पता कि इस भाई की क्या तकलीफ, और ये साला गंगाराम का लौंडा कौन है, तो और मत देखो वीडियो। मैं बोल रहा था ना, आजकल तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो वीडियो को। देखी होती तो तुम्हें पता होता कि साला गंगाराम का लौंडा कौन है। जाओ जब पहले ये वीडियो है ना, इसको निपटा के आओ। हमने भी नहीं देखा है। बताओ, मेरा देश इतना बदल गया और तुमको पता ही नहीं है भाई साहब क्या चल रहा है। ये भी ठीक है लोग, खैर बात चल रही थी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस की। तो बाबू ऐसा है, चाहे इस सृष्टि का विनाश हो जाए, लेकिन सारे न्यूज़पेपर वाले ना बकचोदी पेलना नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ ये क्या हेडलाइन है, हवाई फायर में पड़ोसन के होठों को छूती हुई गुजर गई गोली। वोटिंग कर रहे हो या बकचोदी कर रहे हो भाई? होठ को बीच में लाना जरूरी था क्या? अब सीधा सीधा बोल देते कि गोली मिस हो गई। मतलब यही होता है जब इमरान हाशमी टाइप लौंडा कोई भाई साहब सीरियस प्रोफेशन में घुसता है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भैया, आज की हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दामाद से दिल लगा बैठी सास, कोर्ट मैरिज करके घर लौटी तो बेटी हुई बेहोश। बहुत बढ़िया, एक नंबर। प्यार अंधा होता है मान लिया, बहरा होता है मान लिया, गूंगा होता है ये भी मान लिया, लेकिन इतना भी नहीं होता कि तुम उम्र की दहलीज लांग जाओ। अरे बेटी को हनीमून भेजने की उम्र में तुम खुद हनीमून पे चली गई। बताओ इस जमाने में तुमने बेटी नयो बाप पकड़ा दियो। अब न्यू बताओ, बेटी अपने पति से पति देव बोलेगी या पापा बोलेगी? मतलब ये थोड़ा सा क्लियर कर देना। बता, माँ बनने की उम्र में सोतन बनी घूम रही है? सही बताऊँ ना, आजकल लोगों के भीतर गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई ना रुक रहा भैया। वैसे भी इस टाइप के एक आदमी से तो मैं आपको मिलवाई चुका हूँ। अरे सास को भगा ले आए थे? किसकी सास भगा ले आए थे? सास भाई की। सास को भगा लाए थे? तुम्हारी क्या लगती है? तुम्हारी सास लगती है, अपने सास को भगा ले आए। भागा भागी है ना आजकल बहुत चल रही है। अब आप इसके बारे में क्या कहोगे? दुल्हन की माँ के साथ भागा दूल्हे का पिता। सबने भगने की पड़ रही है आजकल की साली, कुछ मिलावट चल रही है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ। और अभी भागने भगाने वाली न्यूज खत्म नहीं हुई है, तुम बस गिनती करते जाओ और ये वीडियो देखते जाओ। एक कांग्रेसी नेता दूसरे की बीवी लेकर भाग गया। पॉलिटिक्स यूं ही बदनाम ना है, अपने सामने वाले को कैसे भी हराना है। तुमने बाकी कुर्सी हड़पी, उनने तुम्हारी बीवी हड़प ली। अभी और सुनो, अपने ही स्कूल के छात्र को लेकर भागी शिक्षिका। तुम्हारी मूंगफली में दाना होना चाहिए। अगर तुम्हारी मेरा मतलब है प्यार, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना, तो बेटा टीचर भी सेट हो जाती है। मुझे तो लग रहा तुम और हम ही बर्बाद चल रहे हैं। आजकल की पीढ़ी में कुछ ज्यादा टैलेंट आ गया भाई साहब। हम बड़ी बुजुर्ग औरतों को माँ समझा करते थे, दादी समझा करते थे, वो उनको माल समझ के हड़प रहे। साला आजकल बच्चों में इतना टैलेंट आ कहाँ से रहा है? ये शिक्षा ले कहाँ से रहे यार ये लोग? अगली खबर, रात को दूल्हे के साथ लिए फेरे और सुबह प्रेमी के साथ भाग गई दुल्हन। बताओ अब दूल्हे पे क्या बीतरी होगी? मतलब दूल्हा इसलिए रात भर जागा था, सारा रात भर जाग के दही जमाए वो और लस्सी पिए कोई और? गलत हो गया यार भाई के साथ। अबे सुहागरात के सपने संजो रखे होंगे यार उसने। बताओ रात भर भाई जागा और सुबह उसकी बीबी हिरन हो गई। अबे नहीं करनी थी तो पहले ही बता देती, मुंह में का दही जमा के बैठी थी बहन की बहरी लोमड़ी। अगली खबर लगाओ यार तुम, 70 साल का बुजुर्ग 18 साल की युवती को भगा ले गया। अबे कोई रोक लो इन्हें ना, ये देश के बुजुर्ग हैं ना सब, ये ना रुकने के। पता नहीं जवानी में कौन सी सिलाजीत खाली इनकी बाकी। हरिद्वार जाने की उम्र में सबरे बैंकॉक जाने के सपने देख रहे हैं, चार सीढ़ी चढ़ने पे तो हाँ पी छोड़ जावे, और शादी के लिए जवान छोरी चाहिए इन्हें। मैं बता रहा हूँ इन्हें रोक लो, इन्हें कोई दवाई रिएक्शन कर गई है। और वैसे ही इस टाइप के एक कपल से मैं आपको पिछले वीडियो में मिलवा भी चुका हूँ, क्यों याद नहीं है?
ध्यान से नहीं देख रहे तुम आजकल वीडियो, मुझे पता है। तो देखिए आपकी सर उम्र कितनी? मेरी उम्र 17 70 साल जी। आपकी उम्र कितनी? 19 साल। क्या मजे तो बुढ़े ले रहे हैं, और हमारी उम्र साल इधर कैरियर के बारे में सोचना पड़ता है, उधर लड़की भी ना पड़ रही, लड़की के बारे में सोचना पड़ता है। इधर कैरियर ही बन पा रहा है ना, इधर गर्लफ्रेंड भी बन पा रही है। गर्लफ्रेंड तो छोड़ो, कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बन रहा यार। अबे इतने बुरे तो नहीं है हम, मुर्दों का राज है कि नहीं है? लड़कियां चाहती ही नहीं कि हम तरक्की करें, और क्यों चाहेंगी? आजकल तो बुढ़े जो पसंद आ रहे हैं। अगली खबर, सुहागरात के अगले दिन दुल्हन ने दिया बच्ची को जन्म। ज्यादा खुश मत हो, ये कोई नई तकनीक नहीं आई है बच्चा पैदा करने की, ये गुप्त मतदान का केस है जो शादी से पहले ही हो चुका था। वो तो रिजल्ट सुहागरात के अगले दिन निकल आया। अगर लड़की की गणित सही बैठती ना तो लड़के को कोई पता ही नहीं पड़ती, और इस सिचुएशन पे ना ये वाला भोजपुरी गाना एकदम सटीक बैठ रहा भाई साहब। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा, शादी जबरदस्ती करवा रहे होंगे, लड़की किसी और से प्यार करती होगी, लड़की ने भाई साहब प्यार की निशानी मांगी और उसने निशानी के तौर पर बच्चे ही पकड़ा दिया। निशानी नहीं दिया, जिंदगी भर के लिए साथी दे दिया। लड़की वाले ने लड़कों वालों का मस्त बेवकूफ बनाया, बोल रहे हैं कि थायराइड की वजह से पेट बाहर निकला हुआ है। देखो ऐसा है, प्रेगनेंसी के पेट और मोटापे के पेट में ना जमीन आसमान का अंतर होता है, अलग ही दिख जाता है भाई साहब। लड़के वालों का गजब का काट दिया, नशेड़ी निकली दुल्हन, ससुराल पहुंचते ही चूड़ा उतार फेंका, बोली चिट्टा चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता चिट्टा क्या होता तो मैं उनको बता दूं, चिट्टा वही है जो अमीर लोग नाक से खींचते हैं, वही जो नमक की तरह दिखता है। एक्चुअली में चिट्टा शब्द का मतलब होता है सफेद। अरे तुमने सुना नहीं होगा यार, फलानी चूड़ी बड़ी गोरी चिट्टी है, फलाना छोरा बड़ा गोरा चिट्टा है, तो वही चिट्टा यही है। और भैया नशे की लत तो ऐसी होती है कि सब काम धाम बाद में, पहले चिट्टा चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, चिट्टा की लालच में तुम छोरी तक कुछ भी करवा लियो, कुछ भी का मतलब समझ रहे हो। अरे पत्नी से परेशान पति थाने पहुंचा, बोला मुझे जेल भेज दो, कुछ दिन शांति तो मिलेगी। पुलिस नहीं मानी तो पहले पत्नी को पीटा, फिर एसपी को गिरफ्तार। मतलब समझ रहे हो ना पति के फ्रस्ट्रेशन का, कितना परेशान है वो अपनी बीवी से। मतलब बंदे ने जेल में जाने के लिए एसपी को कूट दिए, कूट दिया एसपी ऑफिस में। भैया कौन से जुलम कर दिया कि बीवी ने जो छोरा इतना परेशान है वो? पता है आजकल के पति इतने ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। रीजन नंबर एक, बीवी पूरे दिन बदलती है डीपी। पुलिस के पास पहुंचा पति, अब भैया भरी जवानी में तुम कुछ और लेने की बजाय सेल्फी लोगी तो पति तो परेशान होकर पुलिस के पास ही जाएगा। एक भाई और था जो अपनी फरियाद लेके पुलिस के पास पहुंचा था, याद है कि भूल गए? तुम क्या रिपोर्ट क्या लिखा? ये तो बहुत फेमस हुआ था, रिपोर्ट ये लिखा रहे हैं हमारी बीवी हमें रोज डेली दे, जब हमारा मन बड़े तब बहुत ना दे तो ना दे तो पुलिस रिपोर्ट करेंगे सर। भाई कौन धारा नहीं, कौन धारा मान चली धारा कौन सी? मैंने अपने जीवन में आपको बहुत सारे दुख दिखाए होंगे, परंतु इस भाई का दुख है ना आज भी टॉप पर बना हुआ है। अगर तुम इन सब परेशानी से बच रहे हो तो इस वीडियो को लाइक मारो, आज का लाइक हम रखते हैं 1,00,000 लाइक। एक और फनी न्यूज पेपर हेडलाइन भाई, ये तुम देख रहे हो यार, क्या ससुराल मतलब पहुंचते ही एज इज जस्ट अ नंबर, वो लोग ज्यादा उसमें ले गए। 70 का आदमी 18 को लेके जा रहा है, वहां पर रात को शादी हुई, सुबह प्रेमी के साथ भग गई, थायराइड कह के भैया शादी करा दी, सास के साथ मतलब सास और वो बेटी का जो पति है वो भग गए। दुल्हन की माँ से दुल्हे के पिता ने चक्कर चला गया, सब जिग-जैग उल्टा पुल्टा हो रहा है, गोला गोले पे खतरा आया हुआ मुझे लग रहा है। वो पीके वाली बात है ना, पीके मुंह की गलत गोला पे मिसमैच हो रहा है, बहुत तगड़ा। और प्लस वो देखना कि ससुराल पहुंचते ही चूड़ी वूड़ी उतारी, चिट्टा चाहिए, चिट्टा चाहिए, ड्राइवर हो गया। इन सब चीजों को मतलब सिर्फ मस्ती मजाक मिलो, इन चीजों से दूरी रहो। प्लस वो कौन थी वो उसको पीटा, एसएसपी को पीट दिया, हाँ, कि या तो वो उसने मना जेल भेज दे मुझे वरना मैं उसको भी पीटा। और वो क्या थी कि गोली पड़ोसन के होठों को छू के निकली हुई है, वो सही है, सही है। मेरा इमरान हाशमी टाइप बंदा है, उसे पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे आया, कैसे पड़ोसन के होठों को यार कैसे मतलब यहाँ से निकले, बिल्कुल कैमरा लगा रखा था वहां पर, एचडी वाला स्लो मो में चेक करा, अच्छा बिल्कुल पास से गई है। अरे भैया ये लिखने वाले अपना कलाकार मतलब क्रिएटिविटी देख रहा हूँ। प्लस जिस तरीके से सम्राट की पाठशाला में भाई एक्सप्लेन करता रहे एक चीज को, अभी तो ये नहीं, अभी और देखिए। और वो भी तो देखा तूने, अलग ही सीन चल रहा है, उसकी सास लेके भाग गया। पर एक तो कह रहा कि भाई की सास, कह रहा तुम्हारी क्या लगी सास, फिर भी बंदे ने कहा देखी जाएगी आज तो चल पड़ो। लेकिन भागा भाग ज्यादा नहीं चल रहा है इंस्टा पे, वो एक छोटा सा मतलब छोटा क्या वो होगा, कोई शायद 16-17 साल से या 18 से ऊपर ही होगा, वो अपनी मौसी से
मौसी भी नहीं सॉरी पता नहीं बहुत एज्ड है वो बूढ़ी सी है जिससे उसने शादी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है सरकार को एक टीवी पे मुहिम छेड़नी चाहिए ज्ञान दो और ढंग से लो बाकी मजेदार वीडियो थी फन वे में एंजॉय करी मिलते हैं आपसे कपड़ों के साथ बाय टेक केयर।